الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعنياني الحزامية حا قال وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم। तो जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं वह किताबुल इमारा। हाँ, क्या कह रहे थे आपकी हदीस? कौन सी हदीस है? 1818 नंबर हदीस, वही है 4699 नंबर हदीस। ये हाँ 6999 नंबर हदीस। ये शुरू किताब से है, शुरू किताब से अगर देखेंगे तो 4699 नंबर हदीस है और 1818 ये असल में ये किताब है, ये किताबुल जिहाद जो है, किताबुल जिहाद। तो ये मुख्तलिफ है यानी कुतुब के अतबार से ये तरतीब है, इसमें नंबरिंग की गई है। एक तो किताब यानी पूरी किताब की नंबरिंग होती है, शुरू से हदीस की नंबरिंग होती है, और दूसरे ये कि उस किताब के अंदर हदीस की हदीस का नंबर क्या है, और तीसरे कि उस बाब के अंदर हदीस का नंबर क्या है, ठीक है, उस बाब के अंदर कितनी हदीसें हैं, तो उसकी तरतीब या उसकी नंबरिंग अलग की जाती है। किताब के अंदर हदीस कितने नंबर पर है वो नंबर मुख्तलिफ होता है, इसी तरह से शुरू किताब से उस हदीस का नंबर कितना है ये उससे मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो इस एतबार से यहाँ पर जो शुरू किताब से देखेंगे तो 4699 नंबर हदीस है ये किताबुल इमारा की, जो पहली हदीस है। तो किताबुल इमारा इमारा के माने ये अमरा या अमूरों से मुश्तक है। ये इमारा के माने हुकूमत, खिलाफत, ठीक है, और इसी से मुतालिक एक लफ्ज़ है अलखिलाफा, खिलाफत, जैसे कि हदीस में आ गया लफ्ज़ अलखिलाफत फ़ी कुरैशिन। तो हुकूमत यानी उमूर हुकूमत और हुकूमत से मुतालिक इसमें बातें बताई जाएंगी और हुक्काम वगैरह के से मुतालिक इसमें मसाइल बयान किए जाएंगे इंशाल्लाह इस किताब के अंदर। किताबुल इमारा यानी तो इमारा, खिलाफा, इसी तरह से इमामा, इसी तरह से अलवलाया, सबका माना तकरीबन एक ही है। बाब है, बाब उन्नासु तबउ लिकुरैशिन वल खिलाफतु फी कुरैश। इस बात का बयान कि लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत और हुकूमत ये कुरैश के अंदर होगी। इस हदीस की तशरीह आगे करेंगे इंशाल्लाह, तो इसका मतलब बयान करेंगे कि अन्नास तबउ लिकुरैश वल खिलाफत फी कुरैश का मतलब क्या है। पहली बात, खिलाफत का माना थोड़ा सा समझ लेते हैं, खिलाफत का माना क्या है। तो खिलाफत का या खिलाफा का लुगवी माना जो है ये मस्दर है खलाफा या खलूफो, खलाफा या खलूफो, खिलाफतन, इसी तरह कहा जाता है खलाफहु खलीफतन। तो खलाफा या खलूफो के माने होते हैं किसी के बाद आना, किसी के पीछे आना, जैसे कहा जाता है खलाफहु खलीकान खलीफतु यानी बाकिया बादहु, खलाफहु ऐ बाकिया बादहु वजाअ बादहु। तो ये खिलाफा का लुगवी माना है खलाफा या खलूफ, किसी के खलाफहु ऐ खलाफा फुलानन ऐ जाअ बादहु, किसी के बाद किसी के पीछे आना। तो खलीफा कौन हो, खलीफा किसे कहेंगे, कोई शख्स किसी के बाद आए, लुगवी एतबार से किसी के बाद जो उसका जानशीन होता उसके बाद आता उसको क्या कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है, ठीक है। फ़खलफ़ा मिन बादिहिन
खलफुन अदाउ सलाफा, खलफा मिन बादिहिम खलफुन अदाउ सला, जैसे कि कुरान में आया है। तो बाद में आने वाले लोग जो अपने से पहले जो पहले लोग गुजर चुके हैं उनके बाद में जो लोग आते हैं तो उनको वो उनको वह कि उनके खलाइफ या खलीफा कहलाते हैं। इसकी जमा क्या आती है? खलाइफ। और इसी तरह से खलाफा और खलीफा का इतलाक, ये नहीं, खलीफा का जो माना होता है, जो यमाम का माना होता है, यमाम, हाकिम, सुल्तान, ठीक है, रईस, अमीर, इन सब मानी पर इतलाक होता है खिलाफा का। नहीं, चाहे यानी खलीफा का खलीफा कहा जाए, सुल्तान कहा जाए, यमाम कहा जाए, अमीर कहा जाए, हाकिम कहा जाए, तो ये मुख्तलिफ अल्फाज है लेकिन माना सबका एक है। इसी तरह से बाज़ लोग ये कहते हैं कि खलीफा का इतलाक या खिलाफत का इतलाक सिर्फ़ उस हाकिम पर होता है, खलीफा की इतलाक जो अमूमी तौर पर आम तमाम मुसलमानों का क्या हो, खलीफे आम हो, जिसके मातहत तमाम मुसलमान हो, तो सिर्फ उसी को खलीफा कहा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, आप हदीस में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे हदीस में पढ़ेंगे उससे भी वाज़ेह होगा, और लुगवी लुगत के एतबार से भी इसका ये माना नहीं है, ना तो शरान और ना ही यानी लुगतन खलीफा का माना हरगिज़ ये नहीं है कि खलीफा सिर्फ उसी शख्स को कहा जाएगा जो तमाम मुसलमानों का क्या हो, हाकिम हो, जिसके मातहत तमाम मुसलमान हो, तमाम लोग जिसके मातहती में हो या जिसके हाथों पर बयात कर लें, उसी को सिर्फ खलीफा कहा जाएगा और बाकी के लिए खलीफा का इतलाक नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो खलीफा का माना क्या हुआ, यानी जो जिसको इमाम कहा जाता है या अमीर कहा जाता है या हाकिम कहा जाता है, सुल्तान कहा जाता है, सब उसी तरह से वो खलीफा भी। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज है लेकिन सबका माना एक ही है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، ये عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله جو امام مسلم رحمه الله کے شیخ ہیں، اور امام مسلم رحمه الله نے سب سے زیادہ ان سے استفادہ کیا ہے، سب سے زیادہ یعنی ان سے احادیث روایت کی ہیں، عبد الله جو یعنی جن شیوخ سے سب سے زیادہ امام مسلم رحمه الله نے احادیث روایت کی ہیں انہی میں سے کون ہیں، یہ عبد الله بن مسلمة القعنبی رحمه الله ہیں، وقتيبة بن سعيد ابو رجاء الخولاني البغلاني، قتيبة بن سعيد ہیں، یہ ائمہ ستہ ہیں، امام بخاری، مسلم، اسی طرح امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو چھ ائمہ ہیں، ائمہ ستہ، ان سب کے کیا ہیں، یہ شیخ ہیں، قتيبہ بن سعيد۔ قال حدثنا المغيرة، حدثنا المغيرة، یہ ہیں مغیرہ، तो यहाँ पर कहते हैं यानियानी अल-हिज़ामिया، यानियानी अल-हिज़ामिया، तो यानियानी के कायल कौन है؟ हाँ मशायख، यानियानी अल-हिज़ामिया، قال حدثنا المغيرة، वो दोनों मुराद ले रहे हैं मुगीरा अल-हिज़ामी को، मुगीरा से मुराद कौन है؟ मुगीरा अल-हिज़ामी है، तो ये यानियानी कौन कह रहे हैं यानियानी अल-हिज़ामी؟ यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं، या तो इसके कायल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह हैं، यानी इमाम मुस्लिम ने जो अपने शुयूख से हदीस सुनी तो उसमें था काला हद्दथना अल-मुगीरतु، तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इसकी वजाहत की यानियानी अल-हिज़ामी، यानी अब्दुल्ला बिन मसलमा और इसी कुतैबा बिन सईद की मुराद मुगीरा से कौन है، مغیرہ الحزامی ہے، یا پھر اس کے قائل ہو سکتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد، امام مسلم رحمہ اللہ کے بعد ان کے شاگرد جنہوں نے امام مسلم سے حدیث روایت کی ہے، وہ اس کے قائل ہیں، کہنے والے ہیں، یعنی الحزامی، تو دونوں کا احتمال ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہا یہ تحویل اسناد ہے، یہاں پر جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، قال وحدثنا زہیر بن حرب وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة،
किलाहुमा अन अबी ज़िनात, अबू ज़िनात यानी अब्दुल्ला बिन दकवान, अन अल-अअरज अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज, अल-फारसी अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज, अल-अअरज अल-फारसी, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप लोगों को बताएं कौन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम क्या है? हाँ, शेख जर्जीस। हमाद कहाँ भाई आप लोग? खालिद हाँ, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम क्या है? मालूम है किसी को? अबू हुरैरा से कौन मुराद है? कौन सहाबी जो है, मशहूर सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका नाम क्या जानते हैं? जल्दी बताइए जल्दी। हमाद बोलते क्यों नहीं भाई आप लोग? बोलते क्यों नहीं? ऑडियो ऑन रखिए अपना, ताकि सवाल जवाब हो सके, ऐसा लगे कि हाँ आप लोग दर्स सुन रहे हैं, हाजिर हैं। बस ऐसी जगह रहिए जहाँ से आवाज़ यानी डिस्टर्ब ना हो किसी को, उधर से आवाज़ ना आए। जर्जीस मौजूद हो? जर्जीस, खालिद क्या बात है, बोलते क्यों नहीं सब लोग? हाँ, अगर तो अगर सवाल किया जाए, जो पूछा जाए तो मालूम है। हाँ मालूम है शेख, नहीं मालूम है तो फोन करो, नहीं मालूम है। लेकिन ये कि सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो कोई जवाब ही नहीं उधर से, ऐसा लगता है कि हाँ मौजूद ही नहीं हो, बस खाली कान लगा दिए उसके बाद गायब हो। हम्माद क्यों नहीं बोलते? हम्माद हम्माद शमसु जुहा, बस सिर्फ दो लोग बचे हैं, बाकी लोग गायब हो गए। अच्छा ठीक है, बताइए तो कौन है अबू हुरैरा से? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या नाम है? अरे इतना भी तो कह सकते हैं कि उनके नाम में इख्तलाफ है। हाँ, अब्दुर्रहमान बिन सख्र अद्दौसी, अब्दुर्रहमान बिन सख्र, राजिह कौल के मुताबिक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र अद्दौसी है। ठीक है मशायख। قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم। یہاں پر دیکھیے کلاهما سفیان یعنی قال حدثنا سفیان بن عيينه کلاهما عن ابي الزناد, تو یہاں پر مغیرہ और सुफियान इब्न उयना दोनों रिवायत करते हैं अबू ज़िनाद से, वो अअरज से और वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन यहाँ पर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फ़र्क बयान कर रहे हैं दोनों की रिवायतों में, एक तो ज़ुहैर बिन हर्ब की रिवायत और अम्र नाक़िद की रिवायत, दोनों की जो रिवायत है सुफियान इब्न उयना से उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। कहते हैं वफ़ी हदीस ज़ुहैर यबलुगु बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसमें क्या है, عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال عمرو الناقد, يعني عمرو الناقد نے کہا, ان کی روایت میں ہے روایتا عن النبي صلى الله عليه وسلم, کس طرح سے عن أبي هريرة روایتا عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش। फ़र्क समझ में आया मशाइख? यहाँ पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस हदीस में वफ़ी हदीस ज़ुहैर यबलुगु बिहिन नबी वक़ाल अमर रिवायतन, क्या मतलब है इसका? शमसु दुहा समझ गए यहाँ पर कि ज़ुहैर की हदीस में इमाम मुस्लिम के जो शेख हैं ज़ुहैर
और दूसरे उनके शेख हैं अम्र अन्नाकिद। दोनों की रवायतों में फ़र्क बयान कर रहे हैं कि जुहैर की रवायत जो रवायत में जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जो उनसे रवायत किया हदीस ली है जुहैर से जो तहम्मुल किया उसमें क्या है कि अन अबी हुरैरा यबलुगु बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू हुरैरा से आरज रवायत करते हैं और अबू हुरैरा इसको अल्लाह के रसूल तक पहुँचाते हैं। क्या मतलब? यानी अल्लाह के रसूल से रवायत करते हैं, सनद को अल्लाह के रसूल तक पहुँचाते हैं, इस हदीस को अल्लाह के रसूल से रिवायत करते हैं। माना वही है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माना है, या मरफूअन, मरफूअन का जो माना होता वही यबलुगु बिहिन नबी, या रिवायतन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जो है वही माना सबका है। लेकिन चूंकि इमाम मुस्लिम रहम, यहाँ पर देखिए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की दिक्कत रिवायत के अंदर, जिस शेख से जिन अल्फाज के साथ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने सुना है उन अल्फाज को उसी तरह से रिवायत कर रहे हैं और फ़र्क बयान कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह से कह देते कि जुहैर और अम्र अन्नाकिद और फला फला ने हमसे हदीस बयान किया, लेकिन हर एक की हदीस एक ही तरह से नहीं थी, हर एक से ऐसे एक के अल्फाज एकसा नहीं थे, तो ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की खसूसियत है सही मुस्लिम के अंदर कि वो अल्फाज की रियायत करते हैं कि जिस शेख से जिन अल्फाज के साथ, यहाँ तक कि किसी ने हदथना कहा होता है, किसी ने अखबरना कहा होता है, तो उसमें भी फ़र्क को वाजह करते हैं। हालांकि माने के लिहाज से सबका माना एक ही है, यबलुगु बिहिन नबी यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको अल्लाह के रसूल तक पहुँचाते हैं, यानी अल्लाह के रसूल से इसको नकल करते हैं। और अम्र अन्नाकिद की रवायत में है रिवायतन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी काला रसूलुल्लाह या यबलुगु बिहिन नबी ये नहीं है, बल्कि क्या है अन अबी हुरैरा रिवायतन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, फरमाया अन्नासु तबअउन लिकुरैशिन फी हाज़ा शअनी मुस्लिमुहुम लिमुस्लिमिहिम व काफिरुहुम लिकाफिरिहिम, कि लोग कुरैश के ताबिअ हैं, फी हाज़ा शअन इस शान में, हाज़ा शअन से इशारा है किस तरफ, अय फी शअनिल खिलाफति वल इमारा, फी शअनिल खिलाफति वल इमारा वल विलायति वल हुकूमत, यानी हुकूमत हुक्म में, हुकूमत करने में, इसी तरह से इमारत और सियादत में लोग किसके ताबे हैं, कुरैश के ताबे हैं, मुस्लिमुहुम लिमुस्लिमिहिम, कुरैश के जो मुसलमान हैं वो कुरैशी मुसलमानों के ताबे हैं, और कुरैश में से जो काफिर हैं वो कुरैशी काफिरों के ताबे हैं। ये इस हदीस का मतलब है, यानी इसका तर्जमा है कि चूंकि दौरे जाहिलियत के अंदर, जैसा कि आगे हदीस से वाज़ेह होगा वही मसला और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर समझा देता हूँ कि दौरे जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले, इस्लाम से पहले का जो ज़माना है उसको ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, दौरे जाहिलियत से उसको ताबीर किया जाता है। तो दौरे जाहिलियत के जो मुशरिकीन थे, कुफ्फार थे, चूँकि कुरैश जो ख़ानदान है अरब के अंदर, इस ख़ानदान को काफ़ी मकाम मरतबा हासिल था, बड़े इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से इस ख़ानदान को लोग देखते थे और इनका बड़ा एहतराम किया जाता था। क्योंकि कुरैश ख़ानदान ये क्या थे, इनको ये असहाब हरमिल्लाह व अहल हज बैतिल्लाह तआला, जैसे कि इमाम नवी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अन्नहुम कानू फिल जाहिलियत रुसाउल अरब व असहाब हरमिल्लाह व अहल हज बैतिल्लाह तआला, कि कुरैश के जो लोग थे, कुरैश ख़ानदान के लोग, ये दौरे जाहिलियत में अरब के सरदार माने जाते थे और ये हरम के मुतवल्ली थे, मस्जिद हराम खाने काबा के ये लोग क्या थे, मुतवल्ली थे। इसी तरह से हज के उमूर की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के हवाले थीं, तो लोग इस वजह से इनका एहतराम करते थे और इन्हीं की पैरवी करते थे और इन्हीं के, इनको अपना सरदार मानते थे और इन्हीं के ताबे रहते थे। यहाँ तक कि अरब के लोग जब इस्लाम आया तो इंतज़ार कर रहे थे, देख रहे थे कि कुरैश क्या करते हैं, इनका मौक़िफ क्या होता है इस्लाम के ताल्लुक से। यहाँ तक कि जब अहले मक्का, तमाम मक्का वालों ने, यानी तमाम कुरैश के लोगों ने, अहले मक्का ने इस्लाम को कबूल कर लिया फतह मक्का के वक्त, तो फिर क्या है, अरब के जितने सब कबाइल थे, मुख्तलिफ कबाइल इधर उधर के, सब लोग फ़ौज के दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरैश के जो काफिर हैं दौरे जाहिलियत में,
वो कुरैश के ताबिर थे, ताबिर रहे हैं, और फिर इस्लाम आने के बाद जो कुरैश कुरैशी मुसलमान हैं, कुरैश के लोग हैं, वो कुरैश के ताबिर हैं, यानी उनमें से जो मुस्लिम हैं उनके ताबिर हैं। अब यहाँ पर हदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नासु तबउन लिकुरैश फी हाज़ा शानी, कि खिलाफत और हुकूमत और इमारत के सिलसिले में लोग कुरैश के ताबिया हैं, तो क्या यहाँ पर मुतलक ख़बर मुराद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गोया कि आपने ख़बर दी है, आपकी एक पेशन गोई है, आप ये ख़बर दे रहे हैं कि दौर जाहिलियत में भी लोग ऐसे थे और आइंदा भी लोग कुरैश के ताबिया रहेंगे, गोया कि आपने ख़बर दी है, या इससे मुराद अम्र है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाहते हैं कि लोग कुरैश के ताबिया हैं, यानी यम बगी अन यकून अन्नासु तबअन लिकुरैश, कि लोगों को कुरैश के ताबिया होना चाहिए खिलाफत और हुकूमत के सिलसिले में, यानी कुरैश ही से कोई हाकिम होगा, कोई अमीर होगा, यानी अगर कोई भी शख्स हाकिम होगा, अमीर होगा, तो कुरैश ख़ानदान ही से होगा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हुक्म दिया है या फिर आपने ख़बर दी है। वक्त ज़्यादा हो रहा है, ठीक है मशाइख, इस मसले पर कल गुफ्तगू करेंगे, इस मसले पर और आगे अहादीस की रोशनी में इंशाल्लाह इस मसले पर कल गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पर क्या मुराद है, ठीक है।